एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमेश्वर, जिस लोक में भी मेरी आत्मा रही, तुम मेरे संग ही संग रहे। जैसे कोई पक्षी अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसके पीछे पीछे उड़ता रहता है, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मेरे संग संग चलता रहा। 5 मई ऐसी रात है जब मृत्यु के देवता यम हमें परमेश्वर के धाम में ले गए। उस समय हमारी आयु 19 वर्ष थी। यह ऐसी पवित्र रात्रि है, इस रात में जो रात भर जाग कर परमेश्वर का सिमरन करते हैं, वो सिमरन पूरे वर्ष की आराधनाओं के बराबर होता है। और इस रात जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाता है, परमेश्वर अवश्य ही वो सब प्रदान करता है। 5 मई उस रात हम लेटे हुए थे, आकाश तारों से भरा था, कोहरे की तरह एक बादल हमारे करीब आया, जैसे प्रकाश का कोई समुद्र उमड़ पड़ा हो। बादल के उस टुकड़े पर परमेश्वर का नाम लिखा था। उस बादल से एक प्रकाश निकलकर हमारे भीतर समा गया। हमारा हृदय ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा उठा। फिर हमने देखा कि मृत्यु के देवता भगवान यम आकाश मार्ग से भैंसे पर सवार होकर हमारे पास आए और कहा कि आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है, उसने हमें भेजा है कि हम तुम्हें उसके निकट ले जाएं और आसमान के पर्दों में जो कुछ भी है उस रहस्य को तुम पर खोलें और तुम उस सब का वर्णन जगत में पवित्र आत्माओं के बीच करो, जिससे परमेश्वर की महिमा का गुणगान हो। देवलोक में देवगण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर मृत्यु देव ने अपनी योग माया हमारी तरफ को प्रवाहित की। विशेष तरंगे हमारे ऊपर आईं, हमारे शरीर में बहुत अधिक कंपन हुआ, प्राण शरीर से अलग हो गया। एक शरीर हमारा पृथ्वी पर पड़ा था और दूसरा वायु में यमराज के निकट खड़ा था। हमने मृत्युदेव को नमन किया और उन्होंने हमें नमन किया। मृत्युदेव ने हमें अपने गले से लगाया और कहा, आप हमारे साथ हमारे वाहन पर बैठो। तभी तीव्र प्रकाश करता हुआ देवताओं का एक समूह प्रकट हुआ। उन्हीं में एक प्राचीन हमारे जन्मों के कोई सेवक, एक देवता आगे आए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे सत्पुरुष, मेरी पीठ पर आप अपना चरण रख कर भैंसे पर बैठिए, मैं आपका जन्म जन्म का सेवक हूं, आप मुझे पवित्र कीजिए। तब हम उसकी पीठ पर अपना पैर रख के यमराज जी के संग बैठे।
यमराज जी ने अपने वाहन को बहुत तीव्र गति से दक्षिण और पूर्व की तरफ को बढ़ाया। वह गति इतनी तेज थी कि जैसे अभी निगाह पृथ्वी पर और अभी सूर्य पर, हजारों मील आकाश का सफर क्षण भर में तय हो गया। फिर प्रकाश ही प्रकाश, फिर जल ही जल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश, और कभी जल से भरे हुए भवसागर को हमने पार किया। इसे पार करने में साधारण आत्माओं को हजारों वर्ष लग जाते हैं। जगह जगह पर हमने आकाश में अदृश्य आत्माओं को देखा जो हम पे फूल बखेरते थे। तमाम नक्षत्र, चांद, सितारे और सृष्टियां आकाश में घूमती हुई हमने देखी। उस अंधकार से परे और प्रकाश से परे हम गए एक देवगणों के प्राचीन सिद्ध स्थल पर। हम गए एक ऐसे देवता को हमने देखा जो आग के गड्ढे में बैठा तप कर रहा था। उसने उठ के हमारा स्वागत किया। देवलोक के लिए, देवताओं के लिए यह बहुत ही प्रसन्नता का अवसर था। वे इस बात से बड़े आनंदित थे कि पृथ्वी से कोई सत्पुरुष उनके बीच बिना मृत्यु के आते हैं। उन्होंने देवलोक के रास्तों को फूलों और सुगंध से सजाया हुआ था। देवताओं ने उत्सव किए, अप्सराओं और गंधर्वों ने नृत्य और गायन किए। देवताओं के हजूम लगे थे और सबके सब हमसे मिलने के लिए बेचैन थे। ग्राम देवताओं को भी हमने देखा और प्रणाम किया। फुलसंधे के ग्राम देवता गुंगे देवता को हमने नमन किया। जाहर देवता बहुत देर तक प्रेम के आवेश से हमें जकड़े रहे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें छोड़ा। इसके बाद स्वर्गलोक में अनेक राज ऋषि और देवगणों के राजा इंद्र के पास से होके हम लोग गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के निकट से गुजरे, उनको नमन किया। और 84 लाख सिद्धों का जहां चक्र है वहां हम पहुंचे। काल उस चक्र की कील है, स्वर्ग से लगी आकाश गंगा जहां बहती है, जिसमें स्नान करके आत्मा देवरूप होके स्वर्ग में प्रवेश करती है। नरक क्षेत्र में बैतरणी नामक महान भयंकर घोर दुर्गंध वाली जल की नदी है, जिसमें गिरते ही पापात्माओं के रूप बिटरूप हो जाते हैं और भयानक जलचर उन्हें डसते और ऊपर से यमराज के दूत उनको पीटते हैं। दिवस देवताओं, पक्ष देवताओं, तिथि देवताओं से होते हुए हम काल चक्र पर पहुंचे जहां काल की घानी चल रही थी। काल देवता हजारों हजारों जीवों को उसमें ऐसे पीस रहे थे जैसे चक्की में गेहूं को मुट्ठी भर भर के डाल के पीसते हैं। यमराज बोले, सत्पुरुष, आप हमारे अतिथि हो, हमारे लोक में पधारिए, उसे धन्य कीजिए। पृथ्वी पर जो शराबी हैं वो नशे में सोचते हैं कि नरक में जाम चल रहे होंगे, नाच गाने हो रहे होंगे। देखो शराबियों का यहां कैसा मुंह चिरा हुआ है और उनके मुंह से खून और मवाद निकलते थे। उनकी दुर्गति को देख के हमें बड़ा भय हुआ।
यमराज खास तौर से पाप आत्माओं पर शासन करते हैं। मृत्यु के बाद मरे हुए मनुष्यों को पहले इन्हीं के दरबार में पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उन जीवों के लेखे जोखे को देखते हैं। यमदूत इतने भयंकर हैं, वो किसी को छू लें तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली ने पकड़ लिया। यमलोक में गया हुआ जीव आत्मा ऐसे दुख पाता है जैसे खूंखार कुत्तों के बीच कोई खरगोश फंस जावे और कुत्ते उसे चीर फाड़ करके उसकी धज्जी धज्जी उड़ा डालें। नरक में पड़ी पाप आत्माएं दुख भोगती हैं, वे यमदूतों के द्वारा यातना भोगते हैं। नरक की यातनाओं का ये सिलसिला चलता रहता है। एक जगह हमने देखा कि कुछ लोगों की कमर पे आग की लपटें चिपकी हैं, वे चीखते चिल्लाते हुए बेचैनी से इधर उधर भाग रहे हैं। हमने पूछा ये कौन लोग हैं, कहा ये वे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सताया और वे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को परेशान रखा, धर्म का आचरण जिन्होंने नहीं किया। एक घाटी में कोहरा छाया हुआ था, लोगों की कराहटें वहां फैली थीं। एक गुफा का दरवाजा खोला गया, वहां अंधकार में हमने प्रवेश किया। भगवान यम ने दिखाया एक व्यक्ति दो शिलाओं के बीच में दबा है और यमदूत उसको पीटते हैं, कहा ये लालची आदमी है। एक स्त्री बाढ़ में बहती जाती थी, उसका धन इसने छीन लिया और उसे डुबा दिया। उसके फल स्वरूप इसके 5 पुत्र थे, वो सब मर गए, उन पे बिजली गिरी और वो मर गए। और ये पागल हो गया और मरने के बाद अब नरक में आया है। नरक के एक हिस्से में एक छोटी सी चट्टान पर कुछ आदमी खड़े थे जिनके ऊपर पिघला हुआ गर्म शीशा बरसता था। उन आत्माओं ने दूर से ही हमें पुकारा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यमराज जी की अनुमति से हमने उनके लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है, कौन है जो तेरी बराबरी कर सके। इस प्रार्थना के पूरे होते होते उनका कष्ट दूर हो गया, शीशे की वो बारिश रुक गई और वे नरक की आत्माएं देवता बन गए और नमन करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए देवलोक में चले गए। मृत्युदेव यम ने कहा तुम परमेश्वर की जब आराधना करोगे तब प्रतिदिन एक नरक की आत्मा को हम छोड़ दिया करेंगे और वो आत्माएं तुम्हारे ही यहां आएंगी, फिर तुम उनको परमेश्वर की आराधना का उपदेश करना और उनको मोक्ष के मार्ग में लगा देना। फिर वो हमें वरुण लोक में ले गए जहां वरुण देवता का जल में बहुत विशाल भवन है, सच्चे मोती और हीरे उस महल में जड़े हैं। वहां से हमने पृथ्वी पर लाने के लिए कुछ सच्चे मोती अपनी मुट्ठी में रखे। यमराज हंसे, कहा इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो, इनको आप पृथ्वी पे न ले जाओ। फिर उन्होंने हमें
कुबेर आदि देवताओं से मिलाया। पाताल में यमराज की बहन यमुना जी से हम मिले, जिन्होंने जामन के काले फल हमें खाने के लिए दिए। फिर नागलोक में हम गए, वहां शेषनाग, तक्षत, अनंत, कालिया, शंखपाल, कंबल, पद्मनाभ आदि नागों ने हमारा स्वागत किया। भगवान शेषनाग हमेशा धर्म आचरण में और परमेश्वर के सिमरन में लगे रहते हैं। एक मार्ग से गुजरते हुए हमने देखा, एक ठेकर में सच्चा मोती रखा है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। हमने कहा, हे मृत्युदेव, इस देवलोक में सच्चे मोती को रखने के लिए क्या ये ठेकर ही मिला? यम ने कहा, संसार ठेकर का टुकड़ा है और उसमें तुम सत्पुरुष सच्चा मोती हो। इस मोती की आभा कभी कम नहीं होती। इसके प्रकाश से असंख्य आत्माएं परमेश्वर के महल की तरफ को जाती हैं। इसके बाद हम पितरों के लोक, ऋषियों के लोक, सिद्धों के लोक और कृतिका नक्षत्र, जहां स्वामी कार्तिकेय का सिंहासन है, वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारा रूप कार्तिकेय जैसा हो गया। वहां नक्षत्र गणों ने हमारी आरती उतारी। पैगंबर आदम, मूसा और ईसा और पैगंबर मोहम्मद से भी हमें उन्होंने मिलवाया और हमने देखा वे सब परम ब्रह्म जगत का स्वामी जो परमात्मा है उसी की स्तुति करते थे। चंद्रलोक में हम गए, जहां हमें अमृत पिलाया गया। सूर्य नारायण की सभा में जब हम पहुंचे तो सूर्य नारायण ने एक मणिमाला हमको प्रदान की। ब्रह्मलोक में हम गए, पितामह ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के द्वारा जल हमारे ऊपर छिड़का। हिरण्य गर्भ से होते हुए हम विष्णु के लोक में गए। वहां नारायण विष्णु के सेवक, उनके पार्षद उनकी स्तुति करते थे। हम शेषनाग पर उनके संग लेट गए और उनकी ज्योति में एक हो गए। उस समय शेषनाग, गरुड़ और बहुत से गंधर्व परमेश्वर का स्वस्ति वाचन करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। फिर भगवान शिव के लोक में हम पहुंचे। भगवान शिव ने हमारे मस्तक पे हाथ रखा और हमारे मस्तक को चूमा और देवगणों से कहा, देखो पृथ्वी से यह हमारा पुत्र आया है। उस समय हमारा शरीर सुनहरा हो गया, उसमें से प्रकाश निकलने लगा और हमारा रूप कार्तिक स्वामी जैसा हो गया। जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद हम महाकाल के क्षेत्र में पहुंचे। 33 करोड़ देवता उस विराट पुरुष में समाये हैं। उनके रूप क्षण क्षण बदलते रहते हैं। प्रकाश की लहरें उनके शरीर के आर पार निकलती रहती हैं। कभी शिव, कभी विष्णु, कभी इंद्र, कभी गरुड़, कभी शेषनाग, असंख्य रूप और प्रकाश के बबूले उसमें उठते दिखाई पड़ते रहते हैं।
अपने शरीर में हमने सारे सृष्टि को, देवगणों को, 33 करोड़ देवताओं को और नक्षत्रों को विचरण करते हुए देखा। ज्योति शरीर को धारण करके करोड़ों मील की दूरी पार करके त्रिगुण ब्रह्म में हमने प्रवेश किया। ज्योत निरंजन अर्धनारीश्वर के शरीर में हमने प्रवेश किया। फिर ओंकार की धुन में हमने प्रवेश किया। फिर निरंकार के महल में हम पहुंचे, जहां प्रकाश ज्योति के चारों तरफ 33 करोड़ देवता खड़े परम ब्रह्म की आराधना करते थे। उसके बाद सोहंग के आकाश में हम पहुंचे, जहां निराकार आत्माएं विचरण करती रहती हैं। सत्यनाम, जिसको संतों ने कहा है, उस स्थान से होते हुए परमेश्वर के परम धाम में प्रवेश करने के लिए जैसे हम चले, 7 दिव्य आत्माओं को हमने देखा। उनके कंधों पर एक एक रोशनी थी, जिसमें से नीला और सफेद प्रकाश निकलता था। उनमें से एक ने कहा, वो परमात्मा एक है और सब तरफ उसका ही नूर है। जिधर को भी देखो, जिधर को भी मुंह करो, उसी का दरस और दीदार है। इतना कह के वो प्रकाश बन के हम में समा गई। दूसरी आत्मा ने कहा, अपने भीतर उस परमेश्वर की लौ को जगाए रखने वाला आदमी उस परमात्मा के नूर में ऐसे मिल जाता है जैसे समुद्र में लहर, और वो भी हमारे भीतर समा गया। तीसरे ने कहा, आराधना और प्रार्थना ऐसी पवित्र रोशनी की चादर है, जिसे ओढ़ने के बाद ही कोई आत्मा उस सृष्टा के सामने जा सकता है, और वो भी हम में समा गया। चौथे ने कहा, जो उस परमेश्वर के हुक्म को सर पे रखे और उसकी मखलूक के दर्द को अपने ऊपर लेवे, वो परमेश्वर का दोस्त हुआ, और वो भी हम में समा गया। पांचवे ने कहा, उस आदमी का जिम्मेदार और निगहबान वो परमात्मा खुद है, जिसने अपने आप को उसके सपुर्द किया, और वो भी हमारे भीतर समा गया। छठे देवता ने कहा, अपनी तकलीफों की शिकायत उस प्रभु से न करना, क्योंकि बिना कहे ही वो सबके हाल को जानता है, और वो भी हम में समा गया। सातवें ने कहा, कुल जमीन आसमान का मालिक एक है, उसने कण भर रोशनी से सारे देवताओं, फरिश्तों, इंसानों और सारी सृष्टि को बनाया। तुम उसी की आराधना करो, उसका रास्ता आत्मा में से है। और हमने देखा, इस सृष्टि में तमाम देवता, तमाम फरिश्ते, तमाम पैगंबर उस एक ही परमात्मा की स्तुति करते थे। मृत्युदेव यम ने कहा, देखो ये शिव, ये ब्रह्मा, ये देवगण, ये फरिश्ते किसका नाम जपते हैं? उसी परमात्मा का। सब कुछ प्रकाश के भीतर समा गया। एक ही आवाज वहां उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बहुत से पर्दे पार करने के बाद उधर से आती हुई परमेश्वर की आवाज को हमने सुना। आवाज आई, ये ही सबका अंत, निर्वाण और मोक्ष है। यहीं से आत्माओं की उत्पत्ति प्रकाश ज्योति के रूप में होती है, और यहीं सब देवता और सिद्ध और मनुष्य और 84 लाख योनियां और ब्रह्मा और विष्णु और शिव सब यहां आके समा जाते हैं। इसी को तत्सत, वह सच्चा है, ऐसा कहा है। एको देवः, वो एक है, तत्सत, वो सच्चा है। यस्य नाम महाद्यशः, उसका नाम परम पवित्र है, उद्धार करने वाला है, जो उस परमेश्वर की स्तुति करता रहता है। एक दिन
वो उस परमेश्वर के प्रकाश में मिल जाता है। आवाज आई, जो तुम्हें बताना था बता दिया, जो दिखाना था दिखा दिया। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से ये सब बताना जो हमने तुमको कहा और दिखाया। कुछ लोग वहां यकीन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जो पैगाम हमने तुम्हें दिया वो दूसरों को जरूर देना। कोई भी अपवित्र आत्मा वाला मनुष्य परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। तुम लोगों से कहो, ऐ लोगों, परमात्मा की तरफ को अपना मुंह फेरो, बुराई के काम ना करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, अपने माता पिता, भाइयों, पत्नी और संतानों को दुख ना दो, उपवास रखो, मौन रहो, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा परमात्मा की राह में दान करो, माता पिता को अपने से पहले भोजन कराओ, परमेश्वर के सिमरन का उजाला अपने मस्तक पे धारण किए रहो। परमात्मा अगर कोई किला है तो उसके भीतर पहुंचने का रास्ता सत्पुरुष हैं। कहा, अब तुम वापस जाओ, वहां देवगण गुप्त रूप से तुम्हारे संग रहेंगे, तुम्हारी आराधनाओं में शामिल होंगे। उसके बाद मृत्युदेव यम हमें इस पृथ्वी पर छोड़ गए। आकाश में तारे अभी जगमगा रहे थे और सुबह होने में अभी देर थी। 5 मई की ये रात ऐसी है। इस रात में परमात्मा का सिंहासन जमीन पे उतरता है। इस रात जो भी मनुष्य परमात्मा से जो भी मांगते हैं उनको वो मिलता है। जो रात भर जाग की आराधना सुमरन करते हैं उनका सुमरन, उनका पुण्य पूरे वर्ष के सुमरन और आराधनाओं से ज्यादा होता है। जो कुछ भी इस रात में कोई मांगता है उनको जरूर दिया जाता है। इस रात परमात्मा का सिंहासन उतरता है और थोड़े समय के लिए हमको फिर से परलोक में ले जाया जाता है। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। देवता और फरिश्ते चांदी की किताबों में तुम्हारे जिक्र को लिखते हैं, तुम्हारी स्तुति को गाते जमीन से आसमान तक विचरण करते रहते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।